वो कुछ लम्हे, वो कुछ पल जो बयां नहीं किए जा सकते, या यूँ कह लीजिए भुलाए नहीं जा सकते। वो मन के अधखचड़े, उन यादों में थोड़ी सी धुंधलाहट सी तो होती है। उन यादों की स्याही समय के पन्नों पर बड़ी लाचारी सी लगती है और थोड़ी सी बेबसी भी। पन्नों का क्यों मुझ में एकीकार नहीं किया जा सकता, फिर कैसे कह दूं कि उन लम्हों को भुलाया नहीं जा सकता। सुकून, मेरी आज की पेशकश सुकून। हैरान सी परेशान सी घर से निकल तो गई। सोचा मिल ही जाएगा रास्ता जो सभी रास्तों का छोड़ हो। मैंने सोचा मेरे गमों की सीमा नहीं, हर जगह ढूंढा पर कहीं भी सुकून नहीं। फिर एकाएक स्टेशन की सीढ़ियों से उतरते हुए, कांपते हुए फटी सी बुशर्ट में खुद को छिपाते हुए कोई मेरी तरफ देखने लगा, मानो मैं ही हूँ उसका किनारा। एकाएक रख दी मैंने उसके हाथ पर माँ के दिए वही पराठे, शायद किसी को तो किनारा मिले। वो फिर थोड़ा सा मुस्कुराया, उसके चेहरे की हजार सलवटों पर शायद आराम सा छा गया। बंजर वसुधा से मिलने जैसे मानो सावन आ गया हो। वो तेजी दिखा रहा था और मैं मंद। वो तेजी दिखा रहा था और मैं मंद। वो अन्न खा रहा था और मैं आनंद। स्वाद भूख में था और भूख सुख की। तृप्त वो हो गया और मेरा दुख भी।